का है, पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो डायइलेक्ट्रिक हम लोग जानते हैं, जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायइलेक्ट्रिक कहते हैं। एन इंसुलेटिंग मटेरियल्स इज कॉल्ड डायइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे हम देखें डायइलेक्ट्रिक कितने प्रकार का होता है, तो कभी भी हम डिवाइड करते हैं किसी को भी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसके आधार पे कर रहे हैं। अभी जो हमारा आधार है, हम जानते हैं जो हमारा जो एटम मॉलिक्यूल्स है वो एटम न्यूक्लियस से बना हुआ है, और उसके सराउंडिंग में क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। मॉलिक्यूल्स हमारा जो है, मॉलिक्यूल्स कौन चीज से बनता है, एटम न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के पास क्या क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, और उसके सराउंडिंग में क्या हमारा रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो यहाँ पे हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हमारा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज, मॉलिक्यूल्स के पास दोनों चार्ज है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, मान ले ये मेरा मॉलिक्यूल्स है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ पे हम देखें तो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ पे है, सेंटर में है, बट पॉजिटिव चार्ज हमारा सेंटर में नहीं है। अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोई इंसाइड नहीं करता है, और उस मॉलिक्यूल से जो मेरा सबस्टांस बनेगा, उस सबस्टांस को हम लोग पोलर डायइलेक्ट्रिक कहते हैं। डायइलेक्ट्रिक हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा हो गया पोलर डायइलेक्ट्रिक और दूसरा हमारा हो गया नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक। यहां पे हम समझ ले पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स मीन्स जानते हैं हमारा ये जो कंसिस्ट होता है, ये एटम न्यूक्लिया है, एटॉमिक न्यूक्लिया है प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरा क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स बन गया। इसी दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम लोग, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, कलेक्शन को मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये जो एटॉमिक न्यूक्लियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स इसके पास कौन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है और पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन्स होता है, और न्यूट्रॉन्स के पास तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब यहाँ पे देखें ये जो मेरा मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का जो सेंटर है, अगर कोइंसाइड किया, अगर कोइंसाइड किया तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जब कोइंसाइड करेगा। अगर कोइंसाइड नहीं किया, समझ गए ना, यहां पे हम देखें पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में आ गया, ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम लोग कौन सा कहेंगे, नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों सेंटर पे क्या हो रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड इज कॉल्ड पोलर नॉन पोलर। तो यहां पे हमारा ये हो गया नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक।
अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ना करे, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड ना करे, तो उस डायलेक्ट्रिक को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर डायलेक्ट्रिक। यह हमारा हो गया पोलर डायलेक्ट्रिक। फिर से सुन ले, अगर हमसे पूछता है पोलर मॉलिक्यूल्स, तो पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। दूसरा हमारा जो है नॉन पोलर, ए मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज कोइंसाइड इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स।